दोस्तों आईपीएल से पहले सभी टीमों की तैयारी शुरू हो गई है। टीमों के कैंप में खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बीच कुछ टीमों ने अपने ही खिलाड़ियों की दो टीमें बना दी हैं, ताकि आपस में तैयारी की जा सके। आईपीएल की दो बार की चैंपियन टीम केकेआर की तैयारी इस वक्त तेजी से जारी है। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रिंकू सिंह ने बेहतरीन पारी खेली। वहीं फिल साल्ट और नीतीश राणा ने भी तगड़े हाथ दिखाए। केकेआर को इस साल अपना पहला मैच 23 मार्च यानी आगाज के अगले ही दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद से अपना पहला मैच खेलना है, इसलिए टीम का कैंप भी कोलकाता में ही चल रहा है। टीम ने इस साल के आईपीएल से पहले जेसन रॉय को अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने खेलने से मना कर दिया। इसके बाद फिल साल्ट को आनन फानन में अपनी टीम में शामिल किया गया। इस बीच जब प्रैक्टिस मैच खेला गया तो उन्होंने 41 बॉल पर 78 रन की धाकड़ पारी खेल दी। वहीं बात अगर उपकप्तान नीतीश राणा की करें तो उन्होंने भी 30 बॉल पर 50 रन बनाए। पिछले साल श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में नीतीश राणा ने टीम की कमान संभाली थी, लेकिन अब श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान वापसी हुई है, इसलिए राणा उपकप्तानी करेंगे। इसके बाद अगर रिंकू सिंह की बात की जाए तो उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे हैं। प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 16 बॉल पर ही ताबड़तोड़ 37 रन ठोक दिए, यानी उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ज्यादा का रहा। उधर गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने 40 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। रिंकू सिंह ने पिछले साल के आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्हें टीम इंडिया की ओर से डेब्यू करने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। अब फिर से वे केकेआर के लिए खेल रहे हैं। वे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फिर से मैच विनिंग पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल अपना कप को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा।